जय हिंद, जय हिंद फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय रिपीटर चैनल। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू चूज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग चूज द करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, देखना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, तो ध्यान समझेंगे, वाइल आई डैश द रोड आई डैश अ पॉइजनस स्नेक। तो वाइल के साथ कंटिन्यूस फॉर्म इस्तेमाल होता है और वह ऐसी घटना जो जारी हो अर्थात कंटिन्यूस का हो उस बीच होने वाली घटना के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। इसलिए सबसे बेहतर ऑप्शन होगा फर्स्ट का भी, वाइल आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, जब मैं रोड को पार कर रहा था, आई सॉ ए पॉइजनस स्नेक, तो मैंने एक जहरीली सांप को देखा। इसलिए पहला का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द मूवी डैश व्हेन वी डैश द थिएटर। जब ये घटना पास्ट में होगा अगला ही पास्ट में होगा, इसलिए बी होगा, क्योंकि पहला में क्या है, एक पास्ट में है एक प्रेजेंट में है, इसलिए गलत हो गया। इसलिए दूसरा का बी होगा, द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। मूवी क्या हो गया है, पूरी तरीके से शुरुआत हो चुका है जब वी रीच द थिएटर। थिएटर मैंने क्या था, रंगमंच, जब थिएटर में पहुंचे। तो दूसरा के भी बी नंबर होगा। आज आप समझ में आ रहा होगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड एज फार एज पॉसिबल फॉर यू, आप इस लिंक को अपने दोस्तों तक फैलाएं ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले, जो मन में जो फोबिया जो डर है बाहर निकले और जो अपनी आंखों में जो सपना सजा रखे हैं वो भी आपका पूर्ण हो। तो आइए, सेकंड समझ में आया होगा। थर्ड की बात करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन कहता है, ही डैश ऑन द ट्रैक बाय दिस टाइम टुमारो। कल की बात किया जा रहा है, तो सबसे बेहतर होगा ऑप्शन ए, विल बी रनिंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो कह रहा है ही विल बी रनिंग ऑन ट्रैक, वह ट्रैक पर दौड़ रहा होगा इस समय, कल वह इस समय ट्रैक पर दौड़ रहा होगा। तीन का ए। नंबर फोर कहता है, नरेशन का है, इनडायरेक्ट स्पीच, सी सैड दैट। अब इधर पास्ट में है तो जाहिर से पास्ट में होगा, तो विल का पास्ट उड होता है, इसलिए चौथा का बी होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा विल का पास्ट क्या होता है, उड होता है, इसलिए चार का बी। सी सैड दैट, उसने कही कि सी वुड हेल्प यू, वह मुझे मदद करेगा या करेगी। नंबर फाइव, आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। नंबर फाइव कहता है, आई ट्राइड अ लिटिल ऑफ सूप टू सी हाउ इट। अब यहां पे ट्राइड क्या है, वी2 में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो जाहिर सी बात है कि पास्ट में ही होगा, इसलिए पांचवा का ए ऑप्शन, आई ट्राइड अ लिटिल ऑफ सूप टू सी, मैं क्या देखा, थोड़ा सा सूप को देखा, हाउ इट टेस्ट, इसकी स्वाद कैसा है। तो फाइव का ए, आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कहता है सिक्स नंबर, यू डैश एन एक्सीडेंट इफ यू गो ऑन ड्राइविंग लाइक दैट। तो याद रखेंगे, फ्यूचर की दो घटना हो और जिसमें क्लाउज हो वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और नेक्स्ट पार्ट बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए यू के पहले कोई क्लाउज नहीं है, इफ व्हेन अनलेस वगैरह नहीं है, इसलिए यहाँ पे बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए छ का पहला होगा,
यू विल हैव एन एक्सीडेंट, क्या होगा, एक घटना होगा, यू गो ऑन ड्राइविंग लाइक दैट, इस तरह के आप चलाएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। तो फ्यूचर के दो घटना का प्रयोग एक साथ हो, जिसमें इफ अनलेस अंटिल लगा होता है, ये भाग बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो बाकी जो भाग है वो बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ गो दिखाई दे रहा आपको, वी1 है, प्रेजेंट में है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, इसलिए 6 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुनः प्रश्न उसी तरीके का है, कह रहा है आई विल फॉलो योर वेनिवर, तो वेनिवर लगा हुआ है और यहाँ पे विल लगा हुआ है, आई विल फॉलो यू, मैं आपको अनुसरण करूँगा जब कभी यू गो, इसलिए 7 का बी नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब फ्यूचर का दो घटना है, एक ऑलरेडी लगा हुआ है, एक कंजंक्शन टाइप का वर्ड है या क्लाउज कहिए, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो गो ठीक है, 7 का हो गया बी नंबर। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहेंगे तो टेलीग्राम का आईडी होगा कुमार चित्रंजन अकेडमी, जिस नाम से यूट्यूब पर चैनल है उसी नाम से है, आप अवश्य जुड़े तो ताकि आपको पीडीएफ प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न कहता है, लास्ट प्रश्न 8 नंबर, रिंग मी अप व्हेन यू डैश टाइम, तो प्रेजेंट में है तो करा रिंग मी अप व्हेन यू हैव टाइम, अगर आपके पास समय होगा तो क्या करें, रिंग मी अप, मेरा अंगूठी दें, तो 8 का बी हो गया, यू के बाद हैव लगा दिया हमने, प्रेजेंट में रिप्रेजेंट कर दिया। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय एंड टेक केयर।